बिहार में इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन ना तो पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने बंद हुए हैं और ना ही विपक्ष और रुपेश के परिजन इस जांच से संतुष्ट हैं। अब इस बीच पुलिस की एक और गलती सामने आई है। दरअसल पुलिस ने बताया था कि अपराधी ऋतुराज का ये पहला आपराधिक मामला है, जबकि रिसर्च में सामने आया कि वह पहले भी जेल जा चुका है। रसकौल में जमीन कब्जा करने को लेकर ऋतुराज पहले भी जेल की सजा काट चुका है और उस पर दो मामले दर्ज हैं। पटना में भी जमीन कब्जा करने के कई मामलों को ऋतुराज अंजाम दे चुका है। वहीं पटना पुलिस ने ऋतुराज को मामूली मोटरसाइकिल चोर बताया था और किसी मामले में जेल नहीं जाने की बात कही थी। यहां तक कि पहली बार किसी के ऊपर गोली चलाने का दावा भी बिहार पुलिस ने किया था, जबकि ऋतुराज पहले भी फायरिंग कर चुका है। आर्म्स एक्ट के तहत उस पर भी मामला दर्ज है। आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया था कि रुपेश की हत्या रोड रेज के कारण हुई है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि नवंबर में पटना स्थित LGP कार्यालय के पास रोड रेज की घटना हुई थी। इससे नाराज युवकों ने रुपेश की हत्या कर दी। SIT ने एक आरोपी ऋतुराज को गिरफ्तार किया था। पुलिस को आरोपी ने बताया था कि नवंबर में राजवंशी नगर से पहले रुपेश की कार की टक्कर उसके बाइक से हुई थी। उस वक्त दोनों में बहस हुई थी और मारपीट की नौबत आ गई थी। तभी से आरोपी ने रुपेश की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी गुस्से के चलते ऋतुराज ने रुपेश की हत्या कर दी। पुलिस के इस खुलासे के बाद रुपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति और हत्यारे के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। नीतू ने पुलिस पर किसी को बचाने और छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल 29 नवंबर को उनके पति और हत्यारे के बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। उनके पति की गाड़ी से एक मोटरसाइकिल के टकराने की घटना सही है, पर पुलिस द्वारा जिस तरह का विवाद और झगड़ा होने का दावा किया जा रहा है वह सही नहीं है। आपको बता दें कि 12 जनवरी को पटना में रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। वह एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उन पर कई राउंड गोली दाग दी थी। न्यूज़ डेस्क।